अनूपपुर में बता दें कि बिजली की आंख में चोली अब आम बात हो चुकी है, पर बात जब 33 KV लाइन की हो तो हैरानी जरूर होगी। इसी लाइन से ही जल निगम का सब स्टेशन में बिजली आती है। यह लाइन 3 दिनों से ठप पड़ी हुई है। दरअसल अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम में किरगी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत 52 ग्राम की नल जल सप्लाई 33 KV विद्युत लाइन फॉल्ट होने से प्रभावित हो गई है। मुखिया ने पुष्पराजगढ़ के साथ अन्य गांव अब पानी से की किल्लत से जूझने लगे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने हैंडपंप की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। यहां ग्रामीण घंटों लाइन में लगे रहते हैं और पानी का इंतजार करते हैं। अरे पानी लेने आए भैया, कब से बैठे हैं 11 बजे से, नंबर ही नहीं लग पाता है, पानी भर नहीं पा रहा है। बार नल लगा हुआ है, पानी 3 दिन से नहीं आ रहा है नल पे। पता किया क्या कारण? अब बोलते हैं कि लाइट ही नहीं है वहाँ पे, तो पानी नहीं आ रहा 3 दिन से। क्या कारण है, पता किया? हाँ पता किया तो कहते हैं लाइट नहीं है, लाइट के कोई फॉल्ट बिजली वाले बना नहीं पा रहे हैं। ये समय तीसरा दिन है तो पानी भरने के लिए, हैंडपम्प है तो सवेरे से क्या कहते हैं ऐसे 12 बजने को आ गया, 6 बजे से यहाँ भीड़ लगी हुई है, अब पानी नहीं मिल पाता है भाई, सबको समस्या आ रही है। 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और मुख्यालय में ही ये हालत है। सुनने में आ रहा है जब जानकारी ली गई तो बता रहे हैं कि लाइन फॉल्ट है, बिजली विभाग वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों, जब मुख्यालय में ही इतने बड़े बड़े अधिकारी रह रहे हैं, SDM हैं आपके, क्या कहते हैं तहसीलदार हैं, सभी विभाग के प्रमुख बैठे हुए हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मगर यहाँ अभी तक जो है कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। PHC की सप्लाई हमारी 33 की लाइन है जो DSCM और राजेंद्र ग्राम की ओर आती है, उसमें रेलवे क्रॉसिंग के पास केबल भ्रष्ट हो गई थी। चूँकि 33 पे काम करने के लिए हमको दोनों साइड से बैकफिट में भी परमिट लेकर डिस्चार्ज लेकर काम करना पड़ता है, और जैसे हमारी परमिट कैंसिल हुई थी तो हम AB स्विच काट के PHC की सप्लाई जहाँ 33 फीट होती है हम चालू कर दे रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा अभी कार्य हो रहा है तो हमको 1 से 2 घंटे भी शॉर्ट करने में लगेगा, उसके बाद सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। NPB में बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि कोई फॉल्ट हुआ है तो आज दुरुस्त कराने का प्रयास हो रहा है, जल्दी से जल्दी उसको दूर करके समस्या